Hey guys, this is Raj Kadam here and I'm back with another video. जैसे आपको पता है अभी lockdown है, we don't have access to gyms. So मैं आपको आज बताने वाला हूँ chest workout home में कैसे करते हैं. Let's get into the video. First exercise जो हम करने वाले हैं वो होंगे normal push-ups. So मैं आपको करते हुए दिखाते जाऊँगा. Normal push-ups के लिए जो हम position लेंगे वो हमारे chest से straight hands रहने चाहिए. ऐसे और हमारी कोर टाइट रहनी चाहिए और हमें बिगनर्स के लिए ये फेलियर तक हिट करना है और इंटरमीडिएट के लिए मैं नेक्स्ट बताऊंगा. सो ऐसे पुशअप्स करने, ऐसे फेलियर्स तक करने. सो दिस एक्सरसाइज वाज फॉर द बिगनर्स. इंटरमीडिएट के लिए आपको एक बैग चाहिए जिसमें बुक्स रखो जिससे आपको वेट मिलेगा. तो आपको ऐसे बैग पहननी है और फिर वही पोजिशन में आपको पुशअप्स लगाने हैं फेलियर तक. सो ऐसे पुशअप्स लगाने आपको फेलियर तक. बैग में जो वेट रखेंगे उससे क्या होगा, हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा जिससे हमारी स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी. सो दिस वॉज आवर फर्स्ट एग्जाम. रिमेंबर आपको जो बिगिनर्स है वो फेलियर तक जाएंगे विदाउट वेट, विदाउट बैग. सो जो एडवांस है, जो एडवांस इंटरमीडिएट है वो बैग लेंगे, उनमें वेट के लिए बुक्स रखेंगे और फेलियर तक जाएंगे. एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो होंगे एलिवेटेड पुशअप्स. सो उसमें हमें दो ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमें ज़्यादा स्ट्रेच मिलेगा. सो वो कैसे करने हैं मैं दिखाता हूँ. सो ये पोजीशन होने वाली जो हमारी नॉर्मल पुशअप के लिए थी, बस इसमें जब हम नीचे जाएंगे तो रेगुलर लेवल से नीचे जाएंगे. सो जिससे क्या होगा, जब हमारे हैंड ऐसे पीछे जाते हैं तो हमें चेस्ट पे स्ट्रेच ज़्यादा महसूस होगा. सो जो बिगिनर्स है वो ऐसे नॉर्मल कर सकते हैं. इंटरमीडिएट के लिए आप ऐसे वेट ले सकते हो जिससे आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा. सो वो भी सेम परफॉर्म करनी है. सो नीचे स्ट्रेच, अप डाउन, स्ट्रेच अप. को नीचे जाते हुए स्लो एकदम जाना है, कंट्रोल वे में. और जब हम ऊपर आते हैं तो एक्सप्लोजिव वे से ऊपर आना है. सो फिर से मैं एक बार करके दिखाता हूँ. सो ये सो स्लो ऐसे नीचे जाना है, स्ट्रेच फील करो, फिर स्पीड में ऊपर आना है, एक्सप्लोजिव वे से ऊपर आना है. सो आप ये परफॉर्म करिए. सो दिस वॉज आवर सेकेंड एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो होंगे वाइड पुशअप. मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ. इसमें हमें वाइड ग्रिप लेनी है और एक साइड से नीचे जाना है और उसी साइड से ऊपर आना है. तो ऐसे नीचे जाना है, फिर वहीं से ऊपर आना है, फिर हमें स्लाइड करना है दूसरे साइड तक, फिर नीचे जाना है, फिर ऊपर आना है. ऐसे इस एक्सरसाइज में क्या होगा, एक साइड से स्ट्रेच होगा और ऐसे एक साइड से चेस्ट स्क्वीज होगी. सो आपको अलग ही रेजिस्टेंस मिलेगा. फर्स्ट एक्सरसाइज में हम नॉर्मल पुशअप्स किए जिससे हमारी पूरी चेस्ट को स्ट्रेच मिला. सेकेंड एक्सरसाइज में जो हमने एलिवेटेड पुशअप्स करे उसमें हमने लोअर चेस्ट को ट्रेन किया. अब हमारी अपर चेस्ट के लिए, उसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिस पर पैर रख सकते हैं और पुशअप की पोजिशन लेनी है. इसमें हम अपर चेस्ट को टारगेट करने, इसके लिए हमें हिप्स ऊपर लेने और कोर टाइट रखने और नॉर्मल पुशअप के जैसे करना है. तो मैं आपको करके दिखाता हूँ. ऐसे आपको करना है. और फिफ्थ एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो होंगे फ्लाइज, चेस्ट फ्लाइज. सो मैं आपको करके दिखाता हूँ. उसके लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी. आपको ऐसे लीन होना है, नीचे ब्रिक्स को ऐसे पकड़ना है और बैक में आर्च होना चाहिए और स्लोली कंट्रोल वे में नीचे लेके आना है और एक्सप्लोजिव ऊपर लेके आना है. फिर स्लोली कंट्रोल में स्ट्रेच नीचे आते हुए स्ट्रेच फील करना है और एक्सप्लोजिव में ऊपर आना है. बारिश हो रही है पर हमें वीडियो तो शूट करना है. जब हम जिम में जाते थे तो हम हेवी वेट्स का यूज़ करते थे, इसलिए हम फटिक जल्दी होते थे. बट हमारे पास वेट्स नहीं है तो हम सारे एक्सरसाइज पूरे फेलियर तक हिट करेंगे. सारे एक्सरसाइज के हम 4 सेट्स करेंगे और हर एक सेट फेलियर तक हिट करेंगे. जैसे आपको भी पता है अभी जिम बंद है तो मैं भी जिम नहीं जा रहा हूँ. सो बॉडी डाउन पर चल रही है, बट कोई नहीं, हमारी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है. सो बी सेफ, बी होम एंड कीप हसलिंग. सो पीस आउट. You're a superhero.